प्यारे विद्यार्थियों, किसान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अभी तक जिन विद्यार्थियों ने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है, वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और ऐप को इंस्टॉल कीजिए और वीडियोस को प्राप्त कीजिए। जितने भी आपके पाठ्यवस्तु के अंतर्गत सामग्री है, उनको आप ऐप इंस्टॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। मैं योगराज सिंह नोगिया, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के अकॉर्डिंग हम अपने वीडियोज को कम्प्लीट कर रहे थे, अपने कॉन्सेप्ट कम्प्लीट कर रहे थे, और आज हम अब अगले कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, वो है जेनेटिक्स, आनुवंशिकी। तो सीधा टॉपिक पे चलते हैं हम, और आज हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में, आनुवंशिकी। आनुवंशिकी जेनेटिक्स, तो बात आती है आनुवंशिकी के ऊपर। तो प्रारंभिक रूप से सबसे पहले हमें जानना जरूरी यह है कि आनुवंशिकी है क्या। आनुवंशिकी का तात्पर्य है कि आनुवंशिकता के नियमों और कार्यों के अध्ययन की शाखा को आनुवंशिकी कहते हैं। क्या इसकी डेफिनेशन होगी? कहेंगे कि आनुवंशिकता के नियमों एवं कार्यों के अध्ययन की शाखा को आनुवंशिकी कहते हैं। लेकिन यहां पे हमने कहा आनुवंशिकता के नियमों के अध्ययन की शाखा को आनुवंशिकी कहते हैं। तो आनुवंशिकता क्या है? आनुवंशिकता हेरिडिटी, अर्थात हम यह कह सकते हैं आनुवंशिकता का तात्पर्य है कि जनकों से संतति में प्रकट होने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण होते हैं, उन्हें आनुवंशिकता कहते हैं। अगर हम ये कहें कि कोई भी पादप है, उस पादप का निर्माण बीज के द्वारा होता है, चाहे वह पादप कोई सा भी हो, हम बात करते हैं, मान लीजिए एक आम का बीज है, और इस आम के बीज को जब मृदा में लगाया जाता है, तो इस बीज के अंकुरण के द्वारा, जब इसका अंकुरण होगा, जब इस बीज का अंकुरण होगा, तो अंकुरण होने के बाद में एक नए पादप का निर्माण होगा। तो इस पादप के अंदर जो लक्षण उत्पन्न होंगे, यह लक्षण कहां से आए? इन जनक पादपों से आए। तो जनक से इस संतति का निर्माण होता है। तो जनकों से संतति में प्रकट होने वाले इन लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण कहते हैं, और आनुवंशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होना ही आनुवंशिकता कहलाता है। इसी प्रकार हम बात करते हैं, जिस प्रकार से माता पिता के द्वारा जब संतति का निर्माण होता है, तो संतति जीवों के अंदर भी उसी प्रकार माता पिता के समान संपूर्ण प्रकार के जो ऑर्गन सिस्टम है, वह प्रकट होते हैं, चाहे वह नर प्राणी के समान हो या मादा प्राणी के समान। तो जनकों से संतति में पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होने वाले लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण कहते हैं, और आनुवंशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होना आनुवंशिकता कहलाता है। और यहां हम डेफिनेशन बात करेंगे आनुवंशिकी की, कि आनुवंशिकता के नियमों और कार्यों के अध्ययन की शाखा को आनुवंशिकी कहते हैं। लेकिन हम बात करेंगे यहां पे आनुवंशिकी के बारे में सबसे पहले विस्तृत रूप से जो अध्ययन किया था, वह ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। इसलिए आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। हम बात कहेंगे कि आनुवंशिकी के जनक, आनुवंशिकी के जनक कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। और अगर हम बात करें मॉडर्न जेनेटिक्स के जनक, तो आधुनिक आनुवंशिकी के जनक, आधुनिक आनुवंशिकी के जनक ये कहा जाता है बैटसन को, डब्ल्यू
डब्ल्यू बैट्सन। इसी प्रकार से प्रायोगिक रूप से जिन्होंने अनुवांशिकी का अध्ययन किया तो उसके अंतर्गत आता है प्रायोगिक अनुवांशिकी, प्रायोगिक अनुवांशिकी के जनक। और प्रायोगिक अनुवांशिकी के जनक है टी एच मॉर्गन, टी एच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। ये तो बात हुई जनकों की, अनुवांशिकी ग्रेगर जॉन मेंडल, आधुनिक अनुवांशिकी जनक डब्ल्यू बैट्सन और प्रायोगिक अनुवांशिकी के जनक टी एच मॉर्गन है। लेकिन जेनेटिक्स अनुवांशिकी शब्द किसने दिया? तो यह हम कह सकते हैं कि जो अनुवांशिकी जेनेटिक्स जो शब्द है सबसे पहले यह शब्द डब्ल्यू बैट्सन ने दिया। डब्ल्यू बैट्सन ने अनुवांशिकी शब्द नाम दिया और यह शब्द नाम जैसा कि हम बात कंप्लीट कर पाते हैं सन 1905 में यह जेनेटिक शब्द दिया गया। हम बात करते हैं अनुवांशिकी के अंतर्गत, जैसे कि हमने बात की कि अनुवांशिकी जनकों से संतति में स्थानांतरित होती है, तो जनकों से संतति में स्थानांतरित करने वाला कारक क्या है? जनकों से संतति में अनुवांशिक लक्षणों को संचित करने वाले कारक कौन से हैं, हम उनकी चर्चा भी करेंगे। तो आगे हम बात करते हैं, देखिए जनकों से संतति में अनुवांशिक लक्षणों का संचरण कैसे होगा। जैसे हम बात करते हैं कि जो पादप है या मानव है या सजीव है, उन सजीवों के अंदर सजीवों में गुणसूत्र पाए जाते हैं और गुणसूत्र जो है वो वंशागति के वाहक होते हैं। प्रत्येक जीवों में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है और ये गुणसूत्र इन सजीवों से, सजीव चाहे हम पादप की बात करें चाहे हम जंतु की बात करें, इन सजीवों में पाए जाने वाले गुणसूत्र और गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं जीन जो अनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई होते हैं। ये जीन स्थानांतरित होते हैं, गुणसूत्र अनुवांशिक लक्षणों को ले के जाते हैं कहाँ पर? संतति में। ये क्या है? अनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई, अनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई जिसके द्वारा संतति में अनुवांशिक लक्षणों का संचरण होता है। और जनकों से संतति में प्रकट होने वाले इन अनुवांशिक लक्षणों के अध्ययन की शाखा को, इनके कार्यों के अध्ययन की शाखा को हम क्या कहते हैं? अनुवांशिकी कहते हैं। तो देखिए अनुवांशिकी को जानने से पहले हमें कई प्रकार के टर्म्स के बारे में जानना जरूरी है। जैसे हमने कहा कि गुणसूत्र शब्द नाम किसने दिया, मानव अनुवांशिकी क्या है, योग्यतम की उत्तरजीविता क्या है। तो अनुवांशिकी के अंतर्गत ही हमें जानेंगे कि जो गुणसूत्र शब्द है, गुणसूत्र या क्रोमोसोम जो शब्द है, ये शब्द वाल्डेर ने दिया। और हम बात करते हैं गुणसूत्रों के ऊपर जीन पाए जाते हैं, जीन जो शब्द है, जीन शब्द सबसे पहले दिया जोहेंसन ने सन 1909 में जीन शब्द नाम दिया। इस जीन को सबसे पहले कारक शब्द किसने दिया? मेंडल ने दिया। और मेंडल ने जिसे कारक नाम दिया
उसे सन 1909 में जॉहानसन ने क्या नाम दिया, जीन नाम दिया। वर्तमान समय में मेंडल ने जो कारक नाम दिया था उसे जीन कहा जाता है, और जीन कहाँ पाया जाता है, गुणसूत्रों पर पाया जाता है, रेखीय क्रम में पाया जाता है। या हम बात करते हैं कि ये जीन संतति पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं जीनोटाइप, जिसे हम बोलते हैं जीन प्ररूप भी कहते हैं, और एवं फिनोटाइप, लक्षण प्ररूप। लक्षण प्ररूप शब्द यह शब्द भी किसने दिए, जॉहानसन ने दिए। इसी शाखा के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं मानवों की संततियों में सुधार किया जाता है, मानव संतति में सुधार, मानव संतति में सुधार किया जाता है, और इस शाखा को कहा जाता है यूजेनिक्स। मानव संतति में सुधार यूजेनिक्स, और यूजेनिक्स के जो जनक है वो कहे जाते हैं फ्रांसिस गाल्टन को। मानव संतति में सुधार यूजेनिक्स के जनक कौन है, फ्रांसिस गाल्टन है। और यहां पर एक वर्ड दिया जाता है योग्यतम की उत्तरजीविता, योग्यतम की उत्तर जीविता, योग्यतम की उत्तरजीविता, ये शब्द जो है वो दिया हर्बर्ट स्पेंसर ने। हर्बर्ट स्पेंसर इन्होंने योग्यतम की उत्तरजीविता शब्द नाम दिया, जो कि हमने कंप्लीट कर पाया डार्विन के अंतर्गत। डार्विन ने जो प्राकृतिक गुणवाद का सिद्धांत दिया और उसके अंदर बताया कि जो जीव प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठा लेते हैं उन जीवों को योग्यतम जीव कहते हैं। तो ये जो शब्द है योग्यतम की उत्तरजीविता शब्द नाम, ये किसने दिया, हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया। और इसी के अकॉर्डिंग अब हम बात करेंगे अनुवांशिकी के अंतर्गत कुछ शब्दावली के बारे में, जिसे हमें जानना जरूरी है। देखिए, तो यहां पर हम बात करते हैं अनुवांशिकी की शब्दावली के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में जानते हैं। जैसे हमने कहा अनुवांशिकता के बारे में, अनुवांशिकता, और अनुवांशिकता हेरिडिटी के बारे में हम जानते हैं। अनुवांशिकता किसे कहते हैं, इसका तात्पर्य है कि अनुवांशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचित होना। अनुवांशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण, पीढ़ी स्थानांतरण की क्रिया, अनुवांशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण की क्रिया क्या कहलाती है, अनुवांशिकता कहलाती है। इसी प्रकार कहलाते हैं जेनेटिक करेक्टर अनुवांशिक लक्षण, अनुवांशिक लक्षण का मतलब क्या है, अनुवांशिक लक्षण का मतलब जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में, जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में प्रकट होने वाले लक्षणों को, जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में प्रकट होने वाले लक्षणों को अनुवांशिक लक्षण, जेनेटिक कैरेक्टर कहा जाता है। और अनुवांशिक लक्षण
अनुवांशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होने की क्रिया, स्थानांतरण की क्रिया को क्या कहते हैं? अनुवांशिकता कहते हैं। और जनक पीढ़ी संतति पीढ़ी में प्रकट होने वाले लक्षणों को क्या कहते हैं? अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। लेकिन बात आती है कि अनुवांशिक लक्षण जनकों से संतति में स्थानांतरित कैसे होते हैं? तो अनुवांशिक लक्षणों को संचित करने का जो कारक है, पहले हम बात करेंगे गुणसूत्र के बारे में, क्रोमोसोम के बारे में। तो गुणसूत्र किसे कहेंगे? गुणसूत्र के अंतर्गत हम ये बात कर सकते हैं कि जो कोशिका है, ये हमने बात की कोशिका है, और इस कोशिका में यह केंद्रक है। इस केंद्रक के चारों अगर हम बात कर सकते हैं, ये लीजिए अंतःप्रद्वीय जालिका, हम कंप्लीट कर लेते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यह है न्यूक्लियस, जिसे कहते हैं हम केंद्रक। तो इस केंद्रक में ये केंद्रिका, न्यूक्लियोलस, केंद्रिका, और एक संरचना पाई जाती है धागे के समान संरचना। इस धागे समान संरचना, इस धागे समान संरचना को क्रोमेटिन पदार्थ कहते हैं, क्रोमेटिन पदार्थ। और क्रोमेटिन जो पदार्थ है, जब इसका संघनन हो जाता है तो ये कहलाता है गुणसूत्र, और ये गुणसूत्र ही जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में अनुवांशिक लक्षणों का संचरण करता है। तो हम कह सकते हैं कि इस केंद्रक में पाए जाने वाली धागे समान संरचना को गुणसूत्र कहते हैं। और यह गुणसूत्र किससे बना होता है? यह बना होता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से क्रोमेटिन पदार्थ का निर्माण होता है, और क्रोमेटिन पदार्थ के संघनन होने से गुणसूत्र का निर्माण होता है, और गुणसूत्र जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में अनुवांशिक लक्षणों को संचित करने का कार्य करता है। तो यहां हम बात करेंगे गुणसूत्र के बारे में। तो गुणसूत्र अनुवांशिक लक्षणों को ले जाने का कार्य करता है। तो यहां सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात आती है, और इसे किस नाम से जाना जाता है, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि केंद्रक में उपस्थित धागे नुमा संरचना जो अनुवांशिक लक्षणों को स्थानांतरित करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? गुणसूत्र कहेंगे। अर्थात ये अनुवांशिक लक्षणों को ले जाने का कार्य करते हैं, इसलिए हम गुणसूत्र को अनुवांशिकता का वाहक भी कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? अनुवांशिकता का वाहक। प्रश्न पूछा जाता है कि अनुवांशिकता का वाहक किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? गुणसूत्र को कहते हैं। अनुवांशिकता के वाहक किसे कहेंगे हम? गुणसूत्र को कहते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग दो वैज्ञानिक है, सट्टन और बावेरी, जिन्होंने वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत दिया। एक सिद्धांत दिया हुआ है वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत। तो वंशागति का जो गुणसूत्री सिद्धांत है, वंशागति जनकों से संतति में, क्या जनकों संतति में अनुवांशिक लक्षणों को ले जाने वाला सिद्धांत, वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत किसने दिया? सट्टन एवं बावेरी ने यह सिद्धांत दिया। तो यह हम बात कर पाए गुणसूत्र कहाँ होते हैं? गुणसूत्र केंद्रक में होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? धागे नुमा होते हैं। और मैंने आपको बताया कि जो
जो गुणसूत्र है यह क्रोमेटिन पदार्थ का जब संघनन हो जाता है तब गुणसूत्र का निर्माण होता है। आपको पता है कि जो क्रोमेटिन पदार्थ है इसका अध्ययन इंटरफेज अवस्था अंतरावस्था में किया जाता है और गुणसूत्र का जो अध्ययन है गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन मेटाफेज मध्यावस्था में किया जाता है। तो क्रोमेटिन पदार्थ का अध्ययन अंतरावस्था में और गुणसूत्र का अध्ययन मेटाफेज अवस्था में किया जाता है। तो अनुवांशिकी को जानने से पहले कुछ हमें वर्ड का पता होना चाहिए। लेकिन क्रोमेटिन पदार्थ क्या है, हमने कहा कि बना किससे होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से ये क्रोमेटिन पदार्थ बना हुआ होता है। तो यहाँ तक हम चर्चा कर पाए, ये विस्तृत टॉपिक है जिनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। चलिए, तो ये बात हुई किसके बारे में, गुणसूत्र के बारे में। अब यहां पर बात आती है कि गुणसूत्र के द्वारा अनुवांशिक लक्षणों का संचरण होता है। लेकिन गुणसूत्रों पर पाए क्या जाते हैं, गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं जीन। जीन की हम चर्चा करते हैं, जीन किसे कहेंगे हम, जीन कि अनुवांशिक लक्षणों की जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में अनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई को जीन कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि गुणसूत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, जी, गुणसूत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को जीन कहते हैं। या हम ये कह दें कि जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में अनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई, जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में अनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करने वाली अनुवांशिक लक्षण नियंत्रित करने वाली इकाई को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। जीन जिसे डीएनए खंड भी हम कह सकते हैं। और हमने कहा कि जीन को कारक शब्द फैक्टर, कारक शब्द किसने दिया, मेंडल ने दिया। और यहां हम बात करते हैं जीन शब्द नाम, ये किसने दिया, जॉनसन ने 1909 में दिया। गुणसूत्रों पर जीन उपस्थित होते हैं और गुणसूत्रों पर जो जीन होते हैं वह युग्म में पाए जाते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं और रेखीय क्रम में विन्यासित होते हैं। और हम बात करते हैं उस स्थान को विस्थल या लोकस कहते हैं। तो यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन निकलते हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं कि गुणसूत्र पर जीन किस क्रम में, रेखीय क्रम में। गुणसूत्र पर जीन रेखीय क्रम में, नंबर फर्स्ट, गुणसूत्रों पर जीन रेखीय क्रम में एवं युग्म तात्पर्य जोड़े के रूप में, पैर के रूप में, जोड़े के रूप में उपस्थित होते हैं। तो पूछा जाए कि गुणसूत्र पर जीन किस क्रम में व्यवस्थित होते हैं, रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। और गुणसूत्रों पर जो जीन होते हैं युग्म के रूप में, जोड़े के रूप में उपस्थित होते हैं।
गुणसूत्रों पर जीन जीन गुणसूत्रों पर जिस स्थान पर पाए जाते हैं उसे लोकस या विस्थल कहते हैं। एक और टर्म्स पूछा, इसमें हम कंप्लीट कर सकते हैं और हम कह सकते हैं कि लोकस, जैसे प्रश्न कहा विस्थल या लोकस किसे कहेंगे, विस्थल या लोकस, गुणसूत्रों का वह स्थान जहां पर जीनों के पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है उस स्थान को विस्थल या लोकस कहते हैं। क्या कहेंगे हम, गुणसूत्रों का वह स्थान जहां पर जीनों के पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है। गुणसूत्रों का वह स्थान जहां पर जीनों के पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है उस स्थान को विस्थल या लोकस कहा जाता है। तो बहुत अच्छे यहां से प्रश्न निकलते हैं। गुणसूत्र की संरचना, क्रियात्मिका, जीन, जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में अनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करने वाले कई जीन, हम कह सकते हैं जीन को क्या कहते हैं, कारक कहा किसने, मेंडल ने, जीन शब्द किसने दिया, जोहेंसन ने, और गुणसूत्रों पर जीन रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जोड़े में होते हैं, युग्म के रूप में पाए जाते हैं, और गुणसूत्रों का वह स्थान जहाँ पर जीनों के पाए जाने की प्रायिकता सबसे ज़्यादा होती है उस स्थान को विस्थल या लोकस कहते हैं। इसी के अकॉर्डिंग मैं एक सिद्धांत और कंप्लीट करता हूं आपको कि यहां पर एक याद रखना जरूरी है कि एक जीन एक एंजाइम थ्योरी किसने दी, एक जीन एक एंजाइम जो थ्योरी है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत है, वो दिया बीडल एवं टेटम ने। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत दिया। तो ये तो बात आगे किसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, जीन के अंतर्गत कि जीन में से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और हम बात कंप्लीट कर देते हैं कि जीन के अंतर्गत एक हमने कहा एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है सिमार बेंजर। तो सिमार बेंजर ने जीन को कई इकाइयों में विभाजित किया, जैसा कि हमने पहले भी बताया था म्यूटेशन में जीन की कौन कौन सी इकाइयाँ आया, जीन की इकाइयों को बांटा किसने, सिमार बेंजर ने बताया कौन कौन सी है, सिस्टोन, म्यूटोन, रिकॉन, ऑपेरोन, कॉम्पेलोन, रेप्लिकॉन। तो जीन की यह इकाइयां विभाजित की गई है, सिस्टोन, म्यूटोन, रिकॉन, ऑपेरोन, कॉम्पेलोन और रेप्लिकॉन, यह जीन की इकाइयां है जिनका विशिष्ट कार्य है। सिस्टोन जिनका कार्य जो जीन की क्रियात्मक इकाई है, यहां से बहुत अच्छे प्रश्न पुटअप किए जाते हैं कि जीन की क्रियात्मक इकाई कौन सी है, सिस्टोन, जीन की क्रियात्मक इकाई सिस्टोन, क्योंकि यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। जीन की उत्परिवर्तन की इकाई जिसे हम कहते हैं म्यूटॉन, जीन की पुनः संयोजन रिकॉम्बिनेशन की इकाई जिसे हम कहते हैं रिकॉन, और जीनों का वह अनुक्रम, जीनों का वह समूह, हमने कहा जीनों का वह समूह जो एक इकाई के रूप में कार्य करता है उसे कहते हैं ऑपेरोन, और एक जीन के स्थान में दूसरे जीन का प्रतिस्थापन हो जाने की क्रिया को कहते हैं कॉम्पेलोन, और डीएनए प्रतिकरण की क्रिया, प्रतिकृति की क्रिया को संपन्न करने वाली जीन की इकाई क्या कहलाती है, रेप्लिकॉन कहलाती है। तो आप देख पा रहे हैं एक आपके सामने चार्ट है और उसमें इसमें संपूर्ण इकाइयों के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। आप इसकी डेफिनेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, इसे इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो हमने कहा सिमार बेंजर ने इन इकाइयों के बारे में कंप्लीट किया। तो इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो जीन है वो जीन गुणसूत्र पर जोड़े के रूप में व्यवस्थित होते हैं। चलिए, लेकिन जीनों के जो जोड़े हैं
उन्हें युग्म विकल्पी कहा जाता है। तो आगे हम बात करते हैं एलील के बारे में। तो आगे देखिए अगला अपना यहाँ पे टॉपिक आता है जिसे हम बोलते हैं युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी, इस युग्म विकल्पी को विप्रयासी लक्षण भी कहते हैं। इसे एलील भी कहा जाता है और इसे एलिलो मार्फ भी कहते हैं। युग्म विकल्पी, विप्रयासी लक्षण, एलील, एलिलोमार्फ। किसे कहेंगे? कि जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में अनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जीन के जोड़े को क्या कहेंगे? युग्म विकल्पी कहते हैं। विकल्प का मतलब प्रकाश, विकल्प युग्म यानी जोड़ा, विकल्प यानी लक्षण। जनकों से संतति में हम कह सकते हैं ये जनक है और ये संतति है। इस जनक से संतति में अनुवांशिक लक्षणों के जो वाहक होते हैं वो होते हैं गुणसूत्र, और गुणसूत्र में पाए जाते हैं क्या? जीन। और जीन कैसे होते हैं? जोड़े में होते हैं, युग्म में होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जनकों से संतति में अनुवांशिक लक्षणों को ले जाने वाले जीन के जोड़े को युग्म विकल्पी कहते हैं। तो यहाँ हम इसकी डेफिनेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। जनकों से संतति में अनुवांशिक लक्षणों को जीन के जोड़ों के रूप में जो स्थानांतरित किया जाता है, इन जीन के जोड़ों को क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी कहते हैं। आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। और डेफिनेशन क्या होगी? जनकों से संतति में अनुवांशिक लक्षणों को स्थानांतरित करने वाले जीन के जोड़ों को क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी कहते हैं। यह युग्म विकल्पी दो प्रकार के होते हैं। अब युग्म विकल्पी जो है इनको प्रेजेंट किया जाता है। युग्म विकल्पी हमने पढ़ा है, जैसे प्रभावी और अप्रभावी कारकों को मेंडल ने कुछ सिंबल के रूप में बताया, अंग्रेजी वर्णमाला के सिंबल के रूप में बताया। प्रभावी कारकों को अंग्रेजी के बड़े अक्षर में और अप्रभावी कारकों को अंग्रेजी के स्मॉल लेटर में हम बताएंगे, चर्चा करेंगे इसके बाद में हम। लेकिन तो युग्म विकल्पी की बात करते हैं तो इसमें युग्म विकल्पी हम इसके एग्जांपल जैसे कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, कैपिटल आर है, स्मॉल आर है। तो हम कह सकते हैं किस प्रकार से सिंबल लैंग्वेज में युग्म विकल्पियों को लिखा जाता है। लेकिन ये युग्म विकल्पी दो प्रकार के होते हैं। तो युग्म विकल्पी दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है होमोजाइगोट समयुग्मजी, और समयुग्मजी को हम क्या कहेंगे? होमोजाइगोट। और दूसरा कौन सा है? विषमयुग्मजी, जिसे हम क्या कहेंगे? हेटेरोजाइगोट। तो हमने कहा समयुग्मजी और विषमयुग्मजी। समयुग्मजी, सम याने समान, युग्मजी याने युग्मक। तो जिसमें जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में अनुवांशिक लक्षणों को स्थानांतरित करने वाले जीन के दोनों कारक यदि समान हो तो वह समयुग्मजी कहलाता है, होमोजाइगोट कहलाता है। जिसे हम बात कर सकते हैं कैपिटल टी, दोनों कारक समान है, समयुग्मजी है। स्मॉल टी, दोनों कारक समान है, समयुग्मजी है।
कैपिटल आर कैपिटल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में अनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों कारक यदि एक समान हो तो उसे संयुग्मजीव कहते हैं, और यदि दोनों कारक असमान हो, जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में अनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों कारक यदि असमान हो तो उसे विषम युग्मजी हेटरोजाइगोट कहते हैं। हम कंप्लीट कर सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों कारक असमान है, हम कंप्लीट कर सकते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल बी स्मॉल बी। अगर इस प्रकार की स्थितियाँ होती है तो उसे कहते हैं विषम युग्मजी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में।